ने कुछ नहीं किया, जो हुआ है वो आचार्य भगवान की कृपा से ही हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है, तब जब मैं निमावर गया था, आचार्य श्री का चतुर्मास था, मैं विदिशा से सांसद होता था और भैरुंडा नसलागंज बगल में ही था। मुझे पता चला कि आचार्य भगवान पधारे हुए हैं, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, लेकिन तब अंतरात्मा ने कहा, दिल ने कहा, चले चल शिवराज, आज गुरुदेव के दर्शन कर ले। और मैं निवावर पहुंचा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनकी नजरों से उनको पहले मैंने जी भर के देखा और फिर नजरों से नजर मिली, मैं उसी समय अनंत ऊर्जा से भर गया। और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। वो मुझे गमछा वाला कहते थे, क्योंकि गमछा डाल के गया था मैं। और बाद में जब भी अवसर मिलता था उनके दर्शन करता था। बाद में मैं मुख्यमंत्री बना, आचार्य श्री की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था कि कुछ काम मेरे हाथों भी मुझे निमित्त बना के संपन्न कर लें। और उसी समय आचार्य श्री ने संकल्प लिया कि कुंडलपुर के नए मंदिर में बड़े बाबा स्थापित होंगे। हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं हो सकता, प्रशासन ने कमर कस ली, तैयारी कर ली कि करने नहीं देंगे, रोकेंगे। कलेक्टर, एसपी, डीजीपी, सीएस सब कह रहे थे कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। मुझे खबर की कि वहां ऐसी घटना हो सकती है, रोकना पड़ेगा, लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरे हुए, हाई कोर्ट ने जो मना किया है वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, आचार्य भगवान मां विराजे हैं, जो हो रहा है उसको होने दो। मुझे सीएस ने कहा कि नहीं, एडवोकेट जनरल से बात कर लो आप, राज्य सरकार बाध्य कोर्ट का फैसला मानने के लिए। मैंने एडवोकेट जनरल से बात की तो उनने कहा कि अगर आपने जबरदस्ती की तो सरकार जा सकती है। मैंने कहा कल की जाने वाली अभी चली जाए, लेकिन बड़े बाबा तो विराजमान है। और ये साहस आया था उनकी प्रेरणा से आया था, सूखे मेवा नहीं, तेल नहीं, भौतिक साधन नहीं, छूकने का क्या। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले पढ़े लिखे विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, संपन्न, कितने लोगों को मोक्ष के मार्ग पर आचार्य भगवान लेके आए। समय की सीमा है 4 मिनट, लिखा हुआ है सामने, क्योंकि वक्ता बहुत है। लेकिन आचार्य भगवान हमारे यहां 3 मार्ग बताए गए। जब कुंडलपुर में बड़े बाबा
कि दर्शन करने बाद में गए तो लगा जीवन धन्य हो गया और मुख्यमंत्रित्व काल का सबसे प्रमुख काम निमित्त बना के आचार्य जी ने संपन्न करवा दिया। वो अद्भुत थे, त्याग और तपस्या के प्रति। आचार्य भगवान के बारे में मैं क्या कहूं, निमावर में जब से मिला था तब से अब तक घर के मंदिर में आचार्य श्री की तस्वीर विराजमान है और बिना उनको प्रणाम किए मैंने कभी कोई काम नहीं किया। और आज भी वो गए कहां है, कहीं नहीं गए। आंखें बंद करो और देखोगे और उनके चरणों में झुकोगे तो उनका हाथ आशीर्वाद देते हुए आपको नजर आएगा। मुझे तो जैसी की तैसी उनकी सूरत, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, अद्भुत लगता है। हम लोग धन्य हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जब आचार्य भगवान इस धरती पर पधारे। वो धन्य जिन्हें आचार्य भगवान को चलते फिरते देखा है। आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी, कोई ऐसे आचार्य भगवान हाड़मास के पुतले भी इस धरती पर आए थे। आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग। मैं विनय भैया से बार बार कहता था तबियत खराब है तो ये तो आपद धर्म है, दवाई दे दो। उनका केवल नाड़ी वैद्य देखेगा, बाकी हाथ नहीं लगा सकता। सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुली जल, 24 घंटे में एक बार 365 दिन, एक तखत पे, एक करवट पे सोना, ना तकिया, ना गद्दा, ना चादर, ना कंबल। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अडिग अविचल अटल आचार्य भगवान, तुम तो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे।